फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल का नाम है रूट्स व्लॉग्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग है बहुत ही सिंपल चीज़ पे है। आज का ब्लॉग है उन लोगों के लिए जिन्हें सेम टू यू कहने की बहुत ज़्यादा आदत है। और अब मुझे ऐसा लगता है बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं हम लोग के बीच में या हम लोग खुद, कि मोस्टली जब भी हमें कोई ग्रीट करता है किसी चीज़ के लिए तो हम लोग उसे सेम टू यू से विश कर, मतलब उसको आंसर करते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस आज आपको इस वीडियोज़ में मैं बताने वाली हूँ जिसको आप सेम टू यू से रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी आपको लोगों से थोड़ा अलग बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सभी सेम टू यू का यूज़ करते हैं। अगर आप सेम टू यू की जगह का कुछ और यूज़ करेंगे फ्रेज तो आपको अलग माना जाएगा, आप अलग लगोगे, आपको अपने में भी अच्छा फील होगा कि मैंने लोगों से कुछ हट के किया है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा। आपका इंटरव्यू वगैरह में भी उसे यूज़ करोगे तो अच्छा आपका इम्प्रेशन जाएगा। सो बेसिकली जब हमें कोई भी किसी भी चीज़ को ग्रीड करता है तो सबसे सिंपल सेम टू यू को रिप्लेसमेंट है जो लाइक हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनी थिंग की उसने ग्रीट किया आपको, ये एक ऐसा वोकैब है जो आप कहीं पे भी ठोक सकते हो। सेम टू यू को रिप्लेस कर दे विश यू द सेम, मीन्स जो उसने आपको विश किया सेम वही आपने भी उसको विश किया। आप सिंपली कह सकते हैं विश यू द सेम या आप कह सकते हैं आई विश यू द सेम, आई विश यू टू द सेम, सॉरी। सो जब आप सेम टू यू बोलते हो उससे बहुत बेटर साउंड करता है और सिंपल है, छोटा सा है। आप सिंपली कह दीजिए विश यू द सेम, एक तो ये आपका रिप्लेसमेंट होता है सेम टू यू की जगह पे जो कि आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कह सकते हैं जब कोई आपको विश करे बैक टू यू, मीन्स उसने आपको कहा लाइक हैप्पी होली, तो आप उसको सेम टू यू कहने की बजाय कह सकते हैं बैक टू यू, मीन्स जो तुम उसे ग्रीट कर रहे हो वही सेम ग्रीटिंग्स मेरे तरफ से भी तुम्हारे लिए हैं। बैक टू यू मीन्स है ना, वो अच्छा साउंड करेगा आपका सेम टू यू से। सेम टू यू इज़ अ रियली कॉमन फ्रेज, बहुत ज़्यादा पीपल्स इसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप सेम टू यू की जगह पर ये विश यू द सेम या बैक टू यू यूज़ करेंगे तो अच्छा सुनने में भी लगेगा। और अगर आप मतलब कहीं इंटरव्यू या कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाता है आपके सीनियर्स पर। उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स हम कहीं सुबह निकल रहे होते हैं तो हमें कोई मिल जाता है तो वो हमें विश करता है हैव अ ग्रेट डे, तो वहाँ पे भी हम लोग कह देते हैं सेम टू यू। तो वहाँ पर हम लोग सेम टू यू ना यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते राइट बैक टू यू सेम, लाइक राइट बैक टू यू का मतलब हो गया कि आप भी चाहते हैं कि उनका दिन शुभ हो, जैसे वो चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो आप भी ये चाह रहे हो, सेम आपकी तरफ से भी सेम ग्रीटिंग्स हैं कि आपका भी दिन शुभ हो, आप ये बोल सकते हो। अभी कोई आपको विश करता है, आपकी बर्थडे है सेम डे, आपके फ्रेंड की भी बर्थडे है, उसने आपको विश किया, तो आप वहाँ पे एक और फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। यस, क्या किसी ने आपको हैप्पी दिवाली विश किया, वुमेंस डे विश किया, कुछ भी विश किया, तो वहाँ पे आप और एक बहुत ही अच्छा ये फ्रेज मेरे को लगता है यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, मीन्स आपके आप खुद से उसको कहने वाले थे या कि आपकी तरफ से भी सेम ग्रीटिंग्स थे उसके लिए बट उसने आपको ग्रीट किया, तो आपने एक ये सिंपल सा कही यू स्टोर माई ग्रीटिंग्स और स्माइल कर देते हैं करते हैं अगर आप उनके सामने हैं तो। ये वहाँ पे काम करेगा अगर आप आपने सामने कोई आपको विश कर रहा है, देन आप स्वीट से स्माइल पे खेल सकते हैं कि यू स्टोर माई ग्रीटिंग्स लाइक, तो अच्छा साउंड करेगा और आपको भी अच्छा फील होगा बिकॉज आपको एक नई नई वो कैब्स मिलेंगी, नए नए फ्रेजेस मिलेंगे, आपको जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या फिर और हाँ इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आप कह सकते हैं डिट्टो, ये बहुत छोटा सा वर्ड है बट ये बहुत कुछ है इसमें, मतलब डिट्टो मीन्स कि एज सेम जो भी आपने मेरे को कहा वही सेम मेरी तरफ से भी आपके लिए डिट्टो। जैसे किसी ने आपको विश किया हैव एन ऑसम डे तो आप कह सकते हैं डिट्टो हैव एन ऑसम डे, मतलब आप भी कह रहे हैं उसको कि मेरी साइड से भी आपका बिल्कुल सेम है या सेम ब्लेसिंग्स हैं, सेम ग्रीटिंग्स हैं जो आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है। या आपसे कोई मिलते हैं आप किसी से अपने सीनियर से या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से तो आप उसने आपसे कहा कि नाइस मीटिंग यू,
तो आप उससे कह सकते हैं द मतलब सेम टू यू, वहाँ पे बहुत वियर भी लगेगा साउंड करता है, तो वहाँ पे बेटर है कि आप यूज़ कर दें द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, कि बेटर साउंड करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। आप कह उसने आपसे कहा कि नाइस मीटिंग, आप कह दीजिए द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, नाइस मीटिंग यू टू, सिंपल ख़त्म, द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, बहुत नया है ये, इसीलिए तो आपको बताने के लिए आए हैं इस ब्लॉग में। उसके बाद आप ये कह सकते हैं, जैसे किसी ने आपको ग्रीट किया, जो भी आपको ग्रीट किया किसी ने, तो वहाँ पे आप एक और फ्रेज अप्लाई कर सकते हैं, सेम अप्लाइज ऑन यू, सेम अप्लाइज टू यू, ये भी एक अच्छा फ्रेज़ है। और अगर इन सारे फ्रेज़ को आप नहीं याद रख सकते तो सबसे सिंपल फ्रेज़ सबसे शुरू में आपको बताया गया था, आई विश यू द सेम, यस दिस इज़ अ बेस्ट फ्रेज, सिंपल हमेशा याद रहेगा आपको, विश यू द सेम। पहले एक एक आप मेरे इतने डिजायर फ्रेजेज एक साथ तो याद रख नहीं पाओगे, आप सिंपल शुरू से शुरू करना, विश यू द सेम, पहले आप अपने सेम टू यू को रिप्लेस करिएगा विश यू द सेम से, फिर धीरे 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 करके कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप मेरे फ्रेजेस को एक एक करके सीख सीख के अप्लाई करिएगा, होपफुली आपको बेटरमेंट मिलेगा और आपके अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये फ्रेजेस, ये मेरे रिप्लेसमेंट सेम टू यू के पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।